नमस्कार, देख रहे हैं आप हरियाणा न्यूज खास खबर के साथ, मैं हूं रेणु कैलाश। प्रदेश में डेंगू और मलेरिया कहर बरपा रहा है, लोग बीमारियों से बेहाल है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री पुख्ता तैयारियों का दावा कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर फिर भी बदलती नजर नहीं आ रही। लोगों को बीमार होते हुए तो आपने देखा होगा, लेकिन प्रदेश में डॉक्टरों के कार्यालय भी बीमार हैं। हम बात कर रहे हैं पलवल के जिला अस्पताल में बने मलेरिया विभाग के कार्यालय की, जिसकी हालत इतनी जर्जर है कि कब कोई हादसा हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। मौसम करवट बदल रहा है, प्रदेश में बीमारियों का कहर बढ़ता जा रहा है। डेंगू और मलेरिया से लोग परेशान हैं, और ये है मलेरिया विभाग के कार्यालय का हाल, जो कि खुद बीमार है। पलवल के जिला अस्पताल में बने मलेरिया विभाग के कार्यालय की हालत इतनी जर्जर है कि इसकी इमारत कभी भी गिर सकती है, कोई भी घटना घट सकती है। मलेरिया को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग करोड़ों खर्च कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले डॉक्टरों के कार्यालय की हालत इतनी खराब है कि जगह जगह से दीवारें टूटी हुई हैं। बड़ा हादसा होने का डर हमेशा ही बना रहता है। कई बार इसकी मरम्मत भी कराई जा चुकी है, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, अस्पताल के सीएमओ का कार्यालय भी इतना ही जर्जर है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब सीएमओ से इस बारे में बात की गई, तो साहब ने जुगाड़ की बात कही। अब करना तो हो चुकी है, लेकिन माइनर रिपेयर करा के इसको उपयोग में लाया जा रहा है, जैसे तैसे करके काम चलाने वाली बात है। अब जब तक बहुत नया निर्माण नहीं होगा, जब तक हम कोशिश करेंगे कि किसी भी तरह से लोगों को सेवाएं प्रदान करते रहे। कहने का मतलब सर, जुगाड़ से काम चल, जुगाड़ से काम चल रहा है। फिलहाल कोई नया भवन नहीं है, कोई उचित भवन भी नहीं है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल ये तब है जब मलेरिया और डेंगू का डंक लोगों को सता रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक डेंगू से पीड़ित 2406 मामले सामने आए, जिनमें से सैकड़ों मरीजों की प्लेटलेट्स की मात्रा काफी कम बताई जा रही है। 5616 केस मलेरिया के भी सामने आ चुके हैं। सोनीपत में डेंगू से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। टोहाना में लगभग 30 दिनों में डेंगू से 9 लोगों की मौतें हुई। प्रदेश में डेंगू और मलेरिया का कहर बरपा रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग तैयारियों के दावे करने में लगा हुआ है, लेकिन पलवल के जिला अस्पताल की ये तस्वीरें ही काफी हैं तैयारियों, दावों और वादों की पोल खोलने के लिए। होटल से रोशन लाल की रिपोर्ट। जी हाँ, तो ये सरकारी कार्यालयों का हाल है, जहां पर डॉक्टरों की जिंदगी जब सुरक्षित नहीं है तो वो मरीजों का इलाज क्या करेंगे। डेंगू और मलेरिया से तमाम व्यक्ति पीड़ित हैं, और वो बुनियादी सुविधाओं के अभाव की बात करते हैं, लेकिन उन्हें शायद ये भी नहीं पता कि जिन डॉक्टर्स पर उनकी उम्मीद रहती है, उनके खुद के कार्यालय, उनके खुद के ठिकाने इतने बदहाल हैं। पलवल का ये पूरा मामला हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल के सीएमओ का कार्यालय भी बेहद जर्जर है, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब सीएमओ से इस बारे में बात की गई, तो उन्होंने जुगाड़ टेक्निक की बात की और कहा कि ये सब कुछ यहाँ पर जुगाड़ से ही चल रहा है। सवाल यह है कि क्या जुगाड़ के भरोसे जान जोखिम में डाली जा सकती है क्या? जिला मलेरिया अधिकारी पलवल का कार्यालय आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जो इतनी जर्जर अवस्था में है कि जिसको देखकर हैरानी होती है कि यहाँ पर मरीज अपने इलाज के लिए आते हैं। कितनी मुश्किल से यहाँ पर अधिकारी बैठते होंगे, और अगर बैठे भी तो किस वजह से बैठे? शायद इसलिए यहाँ पर जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो बैठते भी नहीं होंगे, डरते होंगे यहाँ पर बैठने से, क्योंकि उनकी जान खुद जोखिम में रहती है। कब ये बिल्डिंग भरभरा कर गिर जाए, ये कहा नहीं जा सकता। संवाददाता नवल सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं।
नवल, जिस तरीके से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं पलवल के जिला कार्यालय की, जो कि मलेरिया विभाग का है, वो ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर खुद डॉक्टर्स की जिंदगी खतरे में है, वो मरीजों का इलाज क्या करेंगे? जी हेलो, जी बताइए। जी बिल्कुल, कई जगह पर ऐसे है कि जहाँ पर दिक्कत है और जो डॉक्टर है वो डॉक्टर भी वहाँ पर काफी दिक्कतें महसूस करते हैं, और सरकारी हॉस्पिटल्स में आज के वक्त के अंदर जो है मरीज जो है इस संख्या में आना पसंद भी नहीं करते, क्योंकि वहाँ पर पहले ही चिकित्सक नहीं होते, और जो चिकित्सक हैं वो भी इस चीज से महसूस करते हैं कि हमें भी यहाँ रहना नहीं, तो स्थिति रहती है। इस मामले में नवल, क्या कोई बातचीत हो पाई कि कब तक जुगाड़ टेक्निक से काम चलता रहेगा यहाँ पर? तो सीएमओ ने माना कि जुगाड़ से यहाँ पर काम चल रहा है और जुगाड़ से ही यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स टिके हुए हैं। सवाल यही कि कब तक जुगाड़ से ये जो विभाग हैं वो चलते रहेंगे और कब तक इस जर्जर बिल्डिंग की नीचे अपनी जान जोखिम में डालकर ये तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर इलाज करते रहेंगे। हेल्थ एक्सपर्ट परमेश्वर अरोड़ा जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। परमेश्वर जी बहुत स्वागत है आपका। कई बार हम डॉक्टर्स की लापरवाही का मसला उठाते हैं, कई बार हम बुनियादी सुविधाओं के अभाव का मसला उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो डॉक्टर्स की जिंदगी खतरे में है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जर्जर बिल्डिंग है पलवल के जिला मलेरिया कार्यालय की, और यहाँ पर इस तरीके से डॉक्टर्स अपनी जान जोखिम में डालकर बैठते हैं। कहाँ गए वो तमाम स्ट्रक्चर के दावे, और हम कैसे कहें कि हरियाणा विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? देखिए, बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो डेफिनेटली वी आर लैकिंग, कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी है, चिकित्सालय भी हैं तो वहाँ पे स्टाफ की कमी है, और अगर स्टाफ है तो उस तरह से जो है वो ट्रेंड नहीं है, या ये कहें कि जो जागरूकता अभियान जो है वो इस तरह के सीजन में फैलाया जाना चाहिए, उसके लिए भी मुझे लगता है कि प्रॉपर स्टाफ हमारे पास नहीं है, सफिशियंट इक्विपमेंट्स हमारे पास नहीं है। तो ये तो फैक्ट है कि आज कहीं ना कहीं हम लोग जो है काफ़ी पीछे छूट गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, स्टाफ के मामले में, और जो जो एहतियात कदम उठाए जाने चाहिए उसमें मुझे लगता है कि कमियां तो हैं, काफ़ी कमियां हैं। इनमें सुधार कैसे देखने को मिलेगा परमेश्वर जी? देखिए, सुधार तो मैं पहले भी हमेशा से बोलता आया हूँ कि अभी भी हम डेवलपिंग कंट्री की सीरीज में आते हैं, और डेवलपिंग कंट्री जो होती है उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि आदमी की जान की कीमत जो है बहुत अधिक नहीं मानी जाती, और यही काम अगर डेवलप्ड कंट्री में आप जाएं तो वहाँ पे एक आदमी की जान बचाने के लिए पूरा प्रशासन लग जाता है, और यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि सैकड़ों जाने रोज जाती हैं, फिर भी उसके बाद थोड़ा सा अपना थोड़ा मुआवजा दे करके, थोड़ी सी तसल्ली दे करके, थोड़ा सा एश्योरेंसेज दे करके भविष्य सुधर जाएगा, इस तरह की कुछ बातें कहके जो है बात दब जाती है। तो अभी हम स्टिल वी आर इन ए डेवलपिंग फेज, एंड बहुत हमें कमियां हैं, और यहाँ पे जान की कीमत अभी जो है वो न जाने हमारी मजबूरियां हैं कि हम नहीं मान सकते, या ये कहिए कि अभी हमारी उस तरह की प्रवृत्ति पैदा नहीं हुई है कि हम हर व्यक्ति की जान की कीमत को समझें। तो निश्चित ही मतलब बहुत कुछ अभी अपने विचार में भी परिवर्तन लाना होगा, अपनी सोच में भी परिवर्तन लाना होगा, और अपनी अप्रोच में भी परिवर्तन लाना होगा, और शिक्षा और मुझे लगता है चिकित्सा, ये दो ऐसी जो एक चीजें होती है जिसमें जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। यदि आप देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो चिकित्सा और शिक्षा पे जो है अब कॉम्प्रोमाइज वाली जो एक नेचर और टेंडेंसी बनी है उसको परिवर्तित करना होगा। अब ये परिवर्तन आएगा कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल है, इस पर हम चर्चा करेंगे। संवाददाता नवल सिंह टोहाना से एक बार फिर से जुड़ गए। नवल, यहाँ पर डेंगू और मलेरिया की भी हम बात कर लेते हैं, जिससे हालात बेहद खराब बने हुए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि एक मौत भी वहाँ पर हुई है, क्या हालात बने हुए हैं वहाँ पर? यहाँ पर जो टोहाना में जो हालात काफी जो है बड़े भयंकर बने हुए हैं, और यहाँ पर जो है लगातार ऐसा हो रहा है कि हॉस्पिटल जितने भी हैं वहाँ पर लोग हॉस्पिटल भरे हुए हैं, और जिसकी वजह से लगातार दिक्कत खड़ी हो रही है। और यहाँ पर जो हॉस्पिटल भरे हुए हैं, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल है, चाहे चैरिटेबल है, चाहे जो भी हॉस्पिटल है, वहाँ पर मरीजों की लंबी संख्या है, और लगातार पिछले लगभग एक महीने में 9 मौत हो चुकी है, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। और इसके अंदर सभी तरह के लोग शामिल हैं, जो युवा हैं, छात्र हैं और बुजुर्ग हैं, सभी तरह के लोगों की इसमें मृत्यु हुई है, और कुल मिलाकर एक खौफ का माहौल टोहाना में डेंगू को लेकर बना हुआ है, मलेरिया को लेकर बना हुआ है, और यही स्थिति लगभग पूरे हरियाणा के अंदर है आज के वक्त में। जहां से भी एक दूसरे के पास यही डेंगू की खबरें आ रही है, तो डेंगू हो गया तो उसमें पूरा परिवार जो है चिंतित हो जाता है, आखिर वो कह रहा है जी। नवल, उच्च अधिकारियों से बात हो पाई कि इस पर नकेल कसने के लिए क्या कवायद की जा रही है, क्या कोशिशें की जा रही है, और लोगों तक जागरूकता कैसे फैलाई जा रही है? जी, इसकी जागरूकता को लेकर एक बड़ी बात है, जागरूकता जो है
देर बाद शुरू होती है, बीमारी फैल जाती है। जब एक बार बीमारी फैल जाएगी तो मौसम के खत्म होने के बाद अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। पर यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये होता है कि क्यों नहीं उस बीमारी को फैलने से पहले कंट्रोल किया जाता है? बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही मौसम के अनुकूल उसको अपना लार्वा मिल जाता है, उसके बाद लार्वा फैलना शुरू कर देता है, उसके बाद चाहकर भी आप उसे नहीं खत्म कर सकते। यहाँ पर जरूरत ये होती है कि जिस तरह से देश में एक बड़ा मलेरिया के खिलाफ एक कैंपेन लिया गया था, उसी तरह से एक बड़ा कैंपेन जो है डेंगू के खिलाफ लेने की जरूरत है, ताकि इसके मच्छर को पूर्णतः समाप्त किया जा सके उसके पनपने से पहले। चलिए नवल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहां के इंतजाम से नाखुश हैं तमाम जनता, और जिसकी जानकारी हमारे संवाददाता भी दे रहे थे, डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा हमारे साथ लगातार बने हैं। डॉक्टर साहब, जिस बात की आपने चर्चा की, जिक्र किया, मैं चाहती थी कि वो चीजें आए कैसे, लूप होल्स आपके नजरिए में कब से शुरू हैं और क्या इनका कभी खात्मा हो पाएगा? देखिए, दो बातें हैं। एक, कहीं ना कहीं सरकार जो है आज एहतियात के तौर पर जो है फॉर्मिंग करा रही है, मच्छरों को मारने की एक जो है बहुत बड़ी मुहिम छिड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगर हम 10-15 साल पहले के अगर माहौल को आज के माहौल से कंपेयर करें, तो अब हम बहुत क्लीन और बहुत हाइजीनिक एटमॉस्फेयर में जी रहे हैं। पहले देखिए, घर घर में गाय भैंस बंधी होती थी, जानवर पशु बंधे होते थे, तालाब होते थे, मक्खी मच्छर बहुत अधिक होते थे। और आज तो हम लोग, हमारी जो हाउस फ्लाई जो मक्खी है वो भी आप नजर आने बंद हो गई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो मच्छरों के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, इसको रोकना होगा और विचार करना होगा कि कमी कहाँ है, कहाँ ये हर साल हम देख रहे हैं कि प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। एनवायरमेंट हम मच्छर फ्री करते जा रहे हैं, मक्खी फ्री करते जा रहे हैं, लेकिन कहाँ दिक्कत आ रही है? तो मुझे दिक्कत ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो जीवन शैली है और कहीं ना कहीं जो हमारी जो एक तरह से आहार व्यवस्था है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और लगातार गिरती जो इम्यूनिटी है आज, किसी भी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे कोई हो, उसकी इम्यूनिटी रह ही नहीं गई। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो हमारे गलत खान पान की वजह से और गलत जीवन शैली की वजह से लगातार कम होती चली जा रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। ये मच्छर कितने मारेंगे हम लोग? मच्छर तो मारना संभव नहीं है, और इम्यूनिटी बढ़ा करके जरूर हम जो है इस चीजों से बच सकते हैं। जो अगर एक होल्डिंग सरकार लगवाती है कि भाई इस तरह से अपने शरीर को पूरा ढक के रखिए, अपने पास पानी जमा मत होने दीजिए, मच्छरों से ऐसे बचिए, मच्छरों को ऐसे पनपने मत दीजिए, तो मुझे लगता है कि आज आवश्यकता है कि दूसरा होल्डिंग साथ साथ ये लगना चाहिए कि सुबह क्या खाएं, दोपहर में क्या खाएं, रात में क्या खाएं, दिन की शुरुआत किस आयुर्वेदिक औषधि से कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि बिल्कुल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, जल्द लौट रहे हैं। पलवल के जिला मलेरिया अधिकारी के कार्यालय का हाल हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि खुद ऐसा लगता है कि बीमारी से ग्रस्त है। इधर डेंगू और मलेरिया का कहर लगातार जारी है, लेकिन सवाल यही कि ये तमाम परिदृश्य कब सुधरेगा, कब हम कहेंगे कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में नंबर वन है? क्योंकि अपने आप को गब्बर कहने वाले स्वास्थ्य मंत्री साहब से जब पूछा जाता है तो वो तमाम तरह के आंकड़े गिनाते हैं, लेकिन शायद ऐसे आंकड़ों पर उनकी नजर नहीं जाती। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो गुरुग्राम से आ रही है। डेंगू से एक और मौत। ग्यारह वर्षीय अब्दुल नाम के बच्चे की डेंगू से मौत हो गई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, यहां पर डेंगू से एक और मौत हुई है। 11 साल के एक मासूम बच्चे की डेंगू से मौत हो गई। अक्टूबर से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में यह बच्चा भर्ती था। तो ये बड़ी खबर हमने आपको दिखाई, और इसी से संबंधित खास खबर पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर साहब ने देखा, अभी हम जिक्र ही कर रहे थे कि एक और मौत हो गई है डेंगू से। सवाल ये कि समय रहते, जबकि हम हर साल ये जानते हैं कि इस तरह की जानलेवा बीमारियां हमें अपनी चपेट में लेती हैं, इन सब के बावजूद कभी भी जो व्यवस्थाएं हैं या जो हालात हैं वो पूरे नहीं होते हैं, सुधरते नहीं है, चाहे स्वास्थ्य महकमा कितने भी दावे कर ले।
देखिए फिर मैं कहना चाहूंगा कि आपको जो तरफा जैसे एक तैयारी होती है वैसे करनी होगी, केवल आप प्रिवेंशन के नाम पर जो है मच्छर भगा करके और फॉर्मिंग करा करके वो सब काफी काम बनने वाला नहीं है उससे. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आयुर्वेदिक नुस्खे हैं जो आजकल हम लोग जिनसे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए हैं उनको वापस से लेना होगा. मॉडर्न मेडिसिन में एंटीवायरल कोई प्रूवन मेडिसिन नहीं है, लेकिन आप ऐसे कैसे मान लेते हैं कि आयुर्वेद में नहीं है? आयुर्वेद की त्रिभुवन कीर्ति रस अपने आप में जो है इतनी एक अनुपम इतनी अच्छी मेडिसिन है. यदि अगर आपको इस सीजन में बुखार चढ़ता है चाहे वो किसी भी वायरल ओरिजिन का है उसमें डेंगू क्यों ना हो, तो आप अगर पहले दिन से ये गोली शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे 3-4 दिन में जो है अन्य वायरल फीवर की तरह जो है डेंगू का वायरस भी जो है वो दब जाता है. लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा, जबकि एक समानांतर हमारी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है और प्रूवन एंटीवायरल उसमें है. तुलसी काली मिर्च और बेल पत्ते का काढ़ा आज नहीं कहीं पे लिखा जा रहा है, तो इन सबको ले प्लेटलेट्स घट जाती हैं तो फिर आयुर्वेद में ऐसी औषधियां जो पहली खुराक से हम जो है प्लेटलेट्स बढ़ाते हैं. तो मुझे लगता है कि हमारी अपनी चिकित्सा पद्धति है, भारतवर्ष की चिकित्सा पद्धति है, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं सरकार का जा रहा है. तो मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से यदि आप जो है इस तरह के फीवर को अटेंड करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी. तो अब जो है चौतरफा प्रयास होना चाहिए. हाँ, मच्छर भी नहीं पनपने देना है, शरीर का भी ध्यान रखना है कि बच्चों को हम गाइड करें कि पूरे कपड़े पहन करके बाहर जाएं. ये मच्छर जो है सुबह के समय अटैक करता है, पार्क में आप देखते हैं जहां पर पेड़ पौधे इत्यादि अधिक होते हैं तो वहां पर बच्चों को हाफ शर्ट या निकर में ना भेजें. तो इस तरह के आप प्रिकॉशंस लें, लेकिन साथ साथ जो है जैसे आहार संबंधी मैंने बताया कि आप दिन की शुरुआत आंवला हल्दी से कराइए. हल्दी हमारा बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है, आंवला बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो आपकी इम्यूनिटी को बना के रखेगा. क्योंकि मच्छर तो पूरे घर में है लेकिन एक बच्चा प्रभावित है एक नहीं है, मच्छर काटता भी है लेकिन कहीं ना कहीं ये डिफरेंस जो पैदा होता है कि किसी को बुखार हो जाता है किसी को नहीं होता. काफी दिनों से जो है जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई कर रहा था डेंगू से. 24 अक्टूबर को जो है इस बच्चे को गुड़गांव के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन कंडीशन बेहद खराब थी. तो जैसे ही ये बच्चा सरकारी अस्पताल में पहुंचा था इसको रेफर कर दिया गया था दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में, और परसों देर रात जो है इस बच्चे की जो है वो मौत हो गई बताई जा रही है. गुड़गांव के बलदेव नगर इलाके के अंदर जो है ये रहने वाला बताया जा रहा है. इसके जो पिता है वो यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं. जी चलिए नीरज, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए. वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे. बीमार मलेरिया विभाग जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, और सवाल ये भी कि आखिर इन जो संक्रामक बीमारियां हैं या जो ये वायरल बीमारियां हैं आखिर इनसे निपटा कैसे जाए. डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा लगातार हमारे साथ जुड़े हैं. डॉक्टर परमेश्वर, एक चीज़ जो लगातार आप जोर दे रहे हैं इम्यूनिटी सिस्टम खुद से बिल्डअप करना है, लेकिन ये खुद की जो जागरूकता है उसे जागरूक कैसे किया जाए, ये काफ़ी मुश्किल काम है क्योंकि सरकार तो अपनी तरफ से काम कर देती है लेकिन हम शायद उतने सजग नहीं हो पाते. देखिए यहाँ पर फिर से देखिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि भाई ये फीवर इस तरह का है कि इसमें आपकी जान तक जा सकती है. तो इस तरह की अवेयरनेस अगर पब्लिक के पास पहुँचती है तो वो जरूर सजग हो जाते हैं और फिर इन सब प्रयासों को करते हैं. एंड बहुत छोटा छोटा काम करना है. देखिए हम लोग सब सुबह चाय पीते ही हैं, अगर वो सुबह की चाय को जो है आप काढ़ा में कन्वर्ट कर दें जिसमें आप तुलसी पत्र डालें, काली मिर्च डालें, बेल के पत्ते डालें, तो आपका प्रोटेक्शन लेयर आपकी बॉडी में तैयार हो गया, आपकी इम्यूनिटी तैयार हो गई एंड स्पेसिफिक टू वायरल. तो आप ये तो एक सजगता अभियान है सरकार की तरफ से, थोड़ा सा बताना चाहिए कि इस समय इस तरह की तैयारी रखें, ये घातक बुखार है. तो एक अवेयरनेस अगर सरकार फैलाती है तो लोग तो मानते हैं, ऐसी बात नहीं है. अब तो इस समय तो लोग काफी डरे हुए हैं, वो चाहते हैं कि इस तरह की अगर बातें उन्हें पता लगे तो उसको फॉलो करें. तो मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा कि दिन की शुरुआत जो है वो अपने घर में काढ़े से करें, छोटे बच्चों को भी काढ़ा पिलाएं, आप दूध में मिलाकर के पिलाएं या शहद में मिलाकर के पिलाएं, तो आप लगभग जैसे आप अगर आपके घर में 6-7 सदस्य हैं तो आप लगभग 1.5-2 लीटर पानी जो है चढ़ा दें, उसमें 20-25 पत्ते जो है तुलसी के डालें, 10-12 दाने जो है काली मिर्च के डालें और 10-12 पत्ते बेल के जो है वो आप डालें, और उसको लगभग आधा घंटा यदि आप उबाल देते हैं और फिर छान करके उस पानी को सब लोग जो है गर्म चाय की तरह से पीते हैं और छोटे बच्चों को. बिल्कुल, ये छोटे छोटे नुस्खे हैं जिनको अपना कर हम स्वस्थ रख सकते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी और बिल्कुल वायरस इससे बढ़ती है. हमारे साथ पूर्व निदेशक स्वास्थ्य सेवा हरियाणा डॉक्टर पंकज वत्स इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं. डॉक्टर पंकज, हम बात बीमारियों की कर रहे हैं जो की लगातार जानलेवा होती जा रही है, और साथ ही कई बुनियादी सुविधाएं, यहाँ तक पलवल का जो मलेरिया विभाग का कार्यालय है वो
इतना जर्जर है कि कभी भी भरभरा कर गिर सकता है। ऐसे में इन तमाम अव्यवस्थाओं के बीच अगर डॉक्टर भी काम करे तो कैसे करें, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि वो प्रायोरिटी होना चाहिए, लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट हैज टू टेक इनिशियल एक्शन, और सारे के सारे ये पलवल का मलेरिया ऑफिस ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश के अगर मलेरिया ऑफिस देखेंगे तो वहां पर वो बिल्कुल टोटली इग्नोर्ड है, ना इक्विप्ड है, और ना ही उनकी तरफ कोई विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये पलवल का ही नहीं, बाकी पूरे हरियाणा में ही है, और जबकि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और ये सारी की सारी चीजें ये अपने आप में बहुत जी। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकज वत्स आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए, और डॉक्टर अरोड़ा आपका भी बेहद शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास खबर में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।